नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, यहां कबरई विकास खंड है और इसके अंतर्गत पचपहरा गांव आता है। यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। दरअसल तीसरी लहर की दस्तक का जिक्र होने लगा है, जिसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस बीच पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के समर्थकों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। सवाल उठा कि क्यों ये लाठी डंडे चल रहे हैं, तो इसका जवाब भी सामने आया है। दरअसल पहले वैक्सीनेशन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। जब मौजूदा प्रधान उर्मिला को इस बात की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची। जब वो मौके पर पहुंची तो मौजूदा प्रधान उर्मिला और उनके पति की भी दूसरे पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी। यह वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है, आप भी देखिए पूरा मामला। वैक्सीन लग रही थी तो वहाँ पे वैक्सीन लग रही थी तो घटना हो गई है कि मतलब ये लड़ाई हो गई थी, तो हम इतने में पहुँच गए तो इन्हें ने और धीरज ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी चूड़ी उड़ी फोड़ दी, मेरे को मारने की धमकी दी।